hello bachcho let's see this question laminaria Ectocarpus, Dictyota, sargassum and fucus are the example of ऑप्शन ए इज रेड एल्गी ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऑप्शन सी इज ब्राउन एल्गी ऑप्शन डी इज ग्रीन एल्गी तो बेटा यहाँ पे हमें ऑर्गेनिज्म के नेम दे रखे हैं और ये पूछना चाहते हैं कि ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है कौन सी एल्गी से बिलोंग करते हैं तो बेटा ऑप्शन ए है रेड एल्गी तो नो ये सारे ऑर्गेनिज्म रेड एल्गी से बिलोंग नहीं करते रेड एल्गी से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो है पॉरफायरा जेलिडियम ग्रेसिलेरिया पॉलीसाइफोनिया ऑप्शन बी इज बी जी ए बी जी ए का मतलब हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है एक साइनोबैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया तो साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल क्या होते हैं भाई नॉस्टॉक एनाबीना ये आपने पढ़ा होगा ऑप्शन सी इज ब्राउन एल्गी तो यस ब्राउन एल्गी जो है वो राइट right ऑप्शन है हमारा लेमिनेरिया एक्टोकार्पस डिक्टियोटा सारगासम एंड फुकस बिलोंग्स टू ब्राउन एल्गी तो सी इज द राइट ऑप्शन डी को देख लेते हैं ग्रीन एलगी तो नो बेटा ग्रीन एलगी जो है उनके एग्जांपल्स आपके स्पैरोगैरा कारा यूलोथ्रिक्स वॉलवॉक्स दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी सो ग्रीन एलगी का ऑप्शन हम कट कर, कर देते हैं द राइट ऑप्शन इज ब्राउन एलगी आई होप आपको समझ में आया होगा बेस्ट ऑफ लक